हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल शर्ट की जो कटिंग है वो बता रही हूँ। तो इसके लिए आपकी जितनी भी लेंथ है उससे आपको 4 इंच ज़्यादा लंबाई ले लेनी है, और जितनी आपकी चौड़ाई है उससे 4 इंच ज़्यादा आपको चौड़ाई भी ले लेनी है। तो इस तरीके से मैंने ये दो शर्ट के जो पल्ले हैं, इस शर्ट के दो पल्ले हैं, ये पीछे का और ये आगे का, दोनों एक ऐसे ऊपर रख लिए हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अभी सबसे पहले हमें तीरा रखना है। हाँ, हमारी इस शर्ट का जो तीरा है वो 6.5 इंच है, तो हम यहाँ से 6.5 इंच का पहले तीरा लगा देंगे। इस तरीके से 6.5 इंच का हमने तीरा रख लिया है, और हम इसका जो आर्म होल है वो रखेंगे 8 इंच का। 8 इंच का आर्म होल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ से भी अभी थोड़ी सी गोलाई डालनी है, तो ये बाद में कम रह जाएगा। तो ये 6.5 इंच का हमने तीरा लगा लिया और 8 इंच का आर्म होल लगा लिया इस तरीके से। अब यहीं पे हमें ब्रेस्ट का नाप रखना है। तो जो ब्रेस्ट का नाप है वो 18 इंच है, तो 18 का हाफ हमें यहीं पे लगाना है। 9 इंच यहाँ पर ब्रेस्ट का हो गया। और अब इसके नीचे हमें कमर का लगाना है। तो कमर का जब हमें मेजरमेंट लगाना है तो हमें यहाँ से 6.5 इंच का गैप चाहिए। तो यहाँ से 6.5 इंच का गैप रखने के बाद, इस तरीके से 6.5 इंच का गैप रखने के बाद यहाँ पर अभी हमें कमर का नाप लगाना है। तो हमारी कमर है 15 इंच, तो हम यहाँ 7.5 रख रहे हैं। ये शर्ट प्लेट के बिना है। अगर आपको प्लेट डालने हैं तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ प्लेट के बीच भी आएगा। तो अब जहाँ हमने हिप रखनी है वहाँ पर हमारे ये जो साइड वाली सीन है उसका गैप है 15 इंच का। 14.5 है तो हम 15 रखेंगे, और हमारी हिप है जो यहाँ से है वो 18 इंच, तो हमें इसका भी 9 रखना है नाप। इसका हमने 9 रख लिया। अब हमें इसको आपस से मिलाना है, ये सारी सिलाई को। इस तरह मिलाने के बाद हमें इतना मार्जिन बाहर में रखना है। अभी हमें यहाँ पर जो भी हम गोलाई डालते हैं, एक बाहर की एक अंदर की, वो डालेंगे। यहाँ से 2.5 इंच हमारा गला होगा, ठीक है। यहाँ से 2.5 इंच हमारा गला होगा, और यहाँ से हम 0.5 इंच की है जो वो इस तरह से स्लैंटिंग थोड़ी सी कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो अभी हमें जो बाहर की गोलाई डालनी है, अभी जो बिगिनर्स हैं उनका अभी हाथ नहीं इसके ऊपर बैठा, तो आप इस तरीके से बिल्कुल इसे सीधा ही मिला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। सीधा मिलाने के बाद इसको थोड़ी सी हम जो गोलाई है वो दे देंगे इस तरीके से। ये हमने बाहर की गोलाई दे दी है, अभी हमें अंदर वाली गोलाई देनी है। अंदर वाली गोलाई पहले तो हम यहाँ से सीधा ही आएंगे, सिर्फ यहाँ पर कॉर्नर के पास आके हम इसे अंदर को इसकी गोलाई कर देंगे। इस तरह ये हमारी बाहर की गोलाई है और ये हमारी अंदर की गोलाई है। अभी हम इसको कटिंग करेंगे। ये जो तीरे वाली स्लैंटिंग लाइन थी इसको कट करने के बाद अभी हमें जो बाहर वाली है, जो उस गोलाई, उसको कटिंग करके इस तरीके से ये जो मार्जिन वाली सिलाई है उसको भी साथ ही में थोड़ा सा कट कर देंगे साइड से। ऐसा कट करने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला पल्ला है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ आगे वाली गोलाई डालनी है। तो वो नीचे वाला पल्ला हटा के अभी हम आगे वाले पल्ले की जो कटिंग है वो करेंगे। ये हमारी आगे की कटिंग गोलाई, जो गोलाई की कटिंग है वो हो गई। यहाँ से करीब सिर्फ 1 इंच का ही हमें जो गोलाई देनी है, ठीक है। अब हम पीछे का गला इसका नहीं काटेंगे, क्योंकि हमें इसकी बोट नेक बनानी है। तो बोट नेक की जो कटिंग है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो
इस तरीके से ये जो निशान है हमारे, उसको हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये सारे निशान को आपस में मिला देंगे। इस तरह सारे निशान को आपस में मिलाने के बाद हमारी कटिंग ये कंप्लीट हो गई है। और नीचे से आपको जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंथ रखने के बाद आपको यहाँ से आपको निशान लगा देना है, क्योंकि यहाँ तक हमारी लेंथ है। और ये नीचे वाला कपड़ा है, ये हमको ऐसे फोल्ड करना है। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी बाजू काटनी है। तो ये दोनों बाजू हैं, इनको हम फोल्ड करेंगे। इनको फोल्ड करने के बाद अभी हमें इसकी गोलाई डालनी है। इसकी दो गोलाई होती है, एक इसकी भी अंदर की और इस एक बाहर की। इस तरीके से ये जो बंद वाले साइड है ये आपको अपनी ओर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई गोलाई नहीं डालनी। आप जो खुली वाली साइड है इधर, ये जो खुली वाली साइड है, इसमें आपको 2.5 इंच का गोलाई डालनी है। इस तरह 2.5 इंच का निशान लगा के इसको धीरे धीरे इससे मिलाते हुए यहाँ पर आपको गोलाई डाल देनी है और इसको कटिंग कर देना है। इसको कट करने के बाद थोड़ी सी यहाँ से भी शेप दे देनी है बाजू की। तो ये हमारी जो बाजू है उसकी कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी सिंपल शर्ट की कटिंग है जो वो कर सकते हैं। और ये जो आपको आपने गोलाई डाली है या फिर 8 इंच का आर्म होल रखा है, तो इससे आपको ऐसी तो कोई कंप्लेन नहीं आएगी कि आपका गला पीछे को जाता है या फिर आपका जो गला है वो गिरता है, ऐसे कंधों से गिरता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू। बाय।